श्याम और राम अच्छे मित्र थे। एक दिन वह जंगल से होकर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक रीछ दिखाई दिया। वह उनकी तरफ आ रहा था। श्याम तुरंत भागकर पास के पेड़ पर चढ़ गया। राम को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, पर उसने सुना था कि जानवर मरे हुए लोगों को कुछ नहीं करते, इसलिए वह स्थिर होकर जमीन पर लेट गया। उसने अपनी आंखें मूंद ली और सांसें रोक ली। रीछ राम के पास आया। उसने चेहरे को सूंघा। उसे लगा कि वह मर चुका है और रीछ आगे बढ़ गया। जब रीछ कुछ दूर चला गया तो श्याम पेड़ से उतरा। उसने राम से पूछा, रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? राम ने जवाब दिया। उसने कहा कि स्वार्थी लोगों से दूर रहें। शिक्षा, इससे यही शिक्षा मिलती है कि समय पर काम में आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र कहलाता है।